हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चेक। तो आज हम लोग बात करेंगे ओजार्क सीरीज के बारे में, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 तीनों ही सीजन के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। मैं नहीं चाहता कहीं से भी आपका जो मजा है वो मजा खराब हो। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज एक चैनल है यूट्यूब चैनल जिसका नाम वी रिव्यू, और चैनल बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा मेहनत करता बेचारा। उस चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो उसके वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे ओजार्क सीरीज के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे सीजन 1 से। सीजन 1 की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर यानी कि मार्टी बर्ड, उसकी वाइफ विंडी बर्ड, उसके दोनों बच्चे। खैर, कहानी शुरू होती मार्टी बर्ड से, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। उनके कुछ पार्टनर्स भी होते हैं, लेकिन कहने को वो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी कि काले धन को सफेद करने का। खैर, वो काफी बड़े बड़े गैंगस्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन के काले धन को सफेद करते हैं, और इसी बीच में एक ऐसा ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये है कि इनके मनी मार्टी बर्ड के कुछ पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, एक बड़े गैंगस्टर का पैसे का घपला कर देते, और ये बात उस गैंगस्टर को मालूम पड़ जाती है, और बस इसी बात को लेकर वो आता है एक दिन, और मार्टी बर्ड उसके पूरे पार्टनर्स को बुलाता है और उसके सारे पार्टनर्स को मार देता है सिवाय मार्टी बर्ड के, क्योंकि मार्टी बर्ड उसको बोलता है अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं ओजार जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ओजार जाने के बाद मैं वहां पर बहुत पैसे कमाऊंगा और मैं आपको बहुत पैसे कमा कर भी दूंगा। तो गैंगस्टर बोलता है ठीक है, जब ओजार जाना तब जाना, लेकिन फिलहाल मुझे 24 घंटे में $8 मिलियन लाके दो। तो मार्टी बर्ड कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके $8 मिलियन लाके देता है। तो उसको गैंगस्टर बोलता है ठीक है, अब तुम ये पैसे लेके जाओ ओजार, और तुम जो करना चाहते करो, मुझे सिर्फ पैसे कमा के दो। फाइनली मार्टी बर्ड अपनी पूरी फैमिली को लेके ओजार चले जाता है, लेकिन ओजार कोई माथेरान या महाबलेश्वर नहीं जो वहां पर जाके कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। वहां के जो लोकल क्रिमिनल होते हैं वो ये सब चीजें मार्टी बर्ड को करने देते नहीं है, और उस पर जो सबसे मेन क्रिमिनल है वो है द स्नेल फैमिली। तो किसी तरह से स्नेल फैमिली से भी उसको बचना है, और उसके किसी भी तरीके से उस माफिया के पैसे को भी काले से सफेद करना, और क्या कुछ सिचुएशन होती है, किस तरीके से नए कैरेक्टर की एंट्री होती है सीजन 1 में, और भी ज्यादा वहां पर जाने के बाद ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीजन 1 देखना पड़ेगा। खैर, सीजन 1 के एंड में हमें इतना तो समझ में आ गया था कि वो किसी भी तरीके से कैसीनो बनाया जाता है, वही चीज हमें सीजन 2 में देखते हैं कि सीजन 2 में वो मैक्सिकन ड्रग कार्टल की वजह से उसको एक कैसीनो बनाना पड़ता है, क्योंकि कैसीनो के थ्रू वो काफी काले धन को सफेद करने वाला है, लेकिन साथ साथ उसको स्नेल फैमिली को भी संभालना है। और साथ साथ यहाँ पे जो रूथ की जो पर्सनल लाइफ के बारे में और भी डिटेल में बताया वो बहुत ही शानदार है। अगर मेरी मानो तो भाई रूथ सबसे जबरदस्त कैरेक्टर है सीरीज की। उसके अलावा मार्टी बट तो भाई ऑल टाइम फेवरेट है। ओजार्क मार्टी बट के बिना कुछ भी नहीं है। विंडी भी ठीक ठाक है, लेकिन विंडी काफी लोगों की फेवरेट होगी, लेकिन पर्सनली मेरी फेवरेट नहीं है। खैर, सीजन 2 के एंड में किसी भी देश हमको ये समझ में आता है कि सीजन 3 बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि सीजन 3 की बात है, सीजन 3 शुरुआत होता है कि कैसीनो तो बन चुका है, लेकिन यही चक्कर में वो FBI के रेडार पर भी आ गया। अब उसको किसी भी तरीके से काले धन को सफेद तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कर नहीं पाता, और यही चक्कर में वो नवारो भी उसके पीछे पड़ा रहता है। और साथ साथ जो विंडी, जो उसकी वाइफ है, विंडी को ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन को सही कर रही है, लेकिन एक्चुअली विंडी सिचुएशन को और ज्यादा डार्क करी, और ज्यादा इंटेंस करी, और ये चीज का अंदाजा कहने लगे मार्टी को रहता था। उसके बाद आपको यही देखते हैं कि आप फिर से दोबारा मार्टी खुद को और अपनी फैमिली को सारी सिचुएशन से उभारेगा, सारी सिचुएशन से निकालेगा। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है ओजार्क। मैं बता दूं आपको ये सीरीज में मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा। तो देखिए, ओजार्क की बात करो तो ये नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाली सबसे जबरदस्त वेब सीरीज है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत कम लोग देखते हैं। इसकी वजह ये है कि ये सीजन 1 की बात हो, सीजन 2 हो, सीजन 3 हो, सारे सीजन में आपको पहले तो सारे एपिसोड आपको एक एक घंटे के बड़े बड़े एपिसोड देखने मिलते हैं। अलावा जो एक खामी है वो खामी ये है कि हर एक एपिसोड बहुत ज्यादा स्लो है। वो लोग बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन बहुत ही स्लो, और काफी डिटेल में हर एक कैरेक्टर के बारे में, हर एक चीजों को इतने डिटेल में बताने के चक्कर में वो लोग हर एक एपिसोड को इतना ज्यादा स्लो स्लो आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो इंटरेस्ट खो देती है और आधे से छोड़ के चले जाते हैं। जो एक्चुअली ओजार्क का जो मजा है वो लोग को ले नहीं पाते, और यही वजह है कि ओजार्क के जो फैन है बहुत कम है, लेकिन हम जैसे जो यूट्यूबर जो ओजार्क सीरीज का रिव्यू करते हैं ताकि लोग देखे के बाद ओजार्क सीरीज में पोटेंशियल क्या। और मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर आप ओजार्क सीरीज को पूरी तरह से देखोगे ना, तो आप कहीं से भी आपको कोई दूसरी सीरीज पसंद नहीं आएगी। और ये मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज है। परफॉर्मेंस की बात करो तो सारे कैरेक्टर्स, स्पेशली यहाँ पर मार्टी बर्ड और रूथ की बात करो तो वो लोगों ने तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। हाँ, विंडी बर्ड भी भले वो मेरी फेवरेट नहीं, मगर उसने काम पूरे सीजन में बहुत अच्छा किया। साथ साथ जो सपोर्टिंग कास्ट है उन लोगों का भी काम इतना है कि समझ लो वो खाने में नमक कैसे, अगर खाने में नमक ना हो तो खाने का मजा नहीं। वैसे ही ओजार्क सीरीज में जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है उन लोगों के बिना ओजार्क का कुछ भी मतलब नहीं था। तो मेरे हिसाब से आपको ओजार्क सीरीज जरूर देखना चाहिए। तो बस भाई, इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो जरा भी लंबा लगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज इस वीडियो के लिंक को ज्यादा शेयर कर देना। तो बस जाओ, अभी टाइम वेस्ट मत करो, ओजार्क सीरीज देखो, ये आपको नेटफ्लिक्स से मिल जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये टेलीग्राम पे बहुत से लोग इसका लिंक देते, या तो फिर कैट मूवी HD या 9X मूवीज पर जाकर ये ओजार्क सीरीज को डाउनलोड कर सकते हो। बस भाई, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा शायद नेक्स्ट वीडियो होगा एनिमे सीरीज डेथ नोट के ऊपर। तो बस।